there is righteousness in the heart, there is beauty in the character. When there is beauty in the character, there is harmony in the home. When there is harmony in the home, there is an order in the nation. When there is order in the nation, there is कुछ अरसा प्रोफेसर एमजी के मैनन ने स्पेस रिसर्च का काम संभाला। बिलाखिर प्रोफेसर सतीश धवन को इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन इसरो की जिम्मेदारी सौंप दी गई। थुम्बा का पूरा कॉम्प्लेक्स एक बड़े पैमाने पर स्पेस सेंटर बना दिया गया और विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर VSSC का नाम दिया गया। जिसने वो सेंटर कायम किया था उसी के नाम से उस जगह की श्रद्धांजलि पेश की गई। मशहूर मेटलर्जिस्ट डॉक्टर ब्रह्म प्रकाश VSSC के पहले डायरेक्टर मुकर्रर हुए। कोई भी शख्स अपनी जिम्मेवारी में तभी कामयाब हो सकता है अगर वो बारसूख हो, मोतबर हो और अपने फैसलों के लिए उसे सही हद तक आजादी हो। शायद निजी जिंदगी में भी तसल्ली का यही एक रास्ता है, आजादी और जिम्मेवारी एक साथ हो, तभी वो तस्कीन और खुशी का बायस हो सकती है। और जाती आजादी हासिल करने के लिए मैं दो रास्ते तजवीज कर सकता था जो मैंने इख्तियार किए। पहला तो यह कि अपनी तालीम और तरबियत को बढ़ावा दो। इल्म नॉलेज बड़ा कारामद हथियार है, बहुत काम आता है। इल्म जितना ज्यादा होगा उतनी ज्यादा आजादी के हकदार हो गए। इल्म वो पूंजी है जो कोई छीन नहीं सकता। टीम की रहनुमाई तभी मुमकिन है अगर आपकी जानकारी मुकम्मल हो, अप टू डेट हो। कामयाब रहनुमा बनने के लिए जरूरी है कि दिन का काम जब खत्म हो आप पिछले काम का जायजा लें, अगले दिन के काम की तैयारी करें। दूसरा तरीका यह है कि अपने काम को अपना फख्र समझें, गर्व समझें। और जरूरी है कि अपने अंदर की शक्ति की सही जानकारी हो। जो करो उस पर यकीन रखो या जिस पर यकीन हो वही करो, वरना दूसरों के ईमान का शिकार बनते रहोगे। SLV प्रोजेक्ट के पहले 3 सालों में साइंस के बहुत से नए नए इसरार खुले और आहिस्ता आहिस्ता साइंस और टेक्नोलॉजी का फर्क समझ आने लगा। रिसर्च और अमल, डेवलपमेंट का फासला पता चलने लगा। किसी भी इजाद में गलतियां होना लाजमी है, लेकिन हर गलती कामयाबी की तरफ एक और कदम उठाती है, एक और सीढ़ी बन जाती है। किसी भी तखलीक की तरह SLV-3 की तखलीक भी कई दर्दनाक लम्हों से गुजरी। एक रोज जब मैं और मेरे तमाम साथी अपने कामों में पूरी तरह डूबे हुए थे, मेरे घर से एक मौत की इत्तला पहुंची। मेरे दोस्त और हमदर्द मेरे बहनोई जलालुद्दीन का इंतकाल हो गया था। कुछ देर के लिए तो मैं सुन्न होकर रह गया, मेरी आंखों में अंधेरा छा गया। थोड़ी देर बाद जब अपने चौगिरदे का एहसास हुआ तो महसूस किया जैसे मेरी हस्ती का एक हिस्सा मर गया था। रात की रात बसों में सफर करता हुआ अगली सुबह मैं रामेश्वरम पहुंचा। जोहरा को क्या तसल्ली देता और क्या सब्र देता अपनी भांजी महबूबा को जो रो रो कर हलकान हो रही थी। मेरी आंखों के सोते पहले ही सूख चुके थे। थुम्बा लौटकर बहुत दिनों तक सारा कामकाज, सारी मसरूफियत बेमाने लगने लगी। बहुत दिनों तक बहुत मलाल लगा, सब बेमानी लगता था। प्रोफेसर धवन देर देर तक हौसला देते थे, कहते SLV पर जैसे जैसे काम आगे बढ़ेगा मुझे सब्र महसूस होगा और ये मायूसी कम होते होते गुजर जाएगी। 1976 में मेरे अब्बा जैनुल आबदीन 102 साल की उम्र में वहीं रामेश्वरम में इंतकाल फरमा गए। 15 पोते पोतियां छोड़कर गए थे पीछे और एक पड़पोता। दुनियावी तौर पर वो सिर्फ एक और बुजुर्ग की मौत थी। कोई बड़ा मातम नहीं हुआ, झंडा नहीं उतारा गया, ना अखबारों ने स्याह हाशिए दिए।
ना सियासतदान थे वो, ना विद्वान कोई, ना कोई बड़े सरमायादार, एक सीधे सादे इंसान थे, फरिश्ता सिफत, और हर उस बात की वजह थे जो दानाई और पारसाई की राह दिखाती है। मैं बहुत देर तक अपनी मां के पास बैठा रहा चुपचाप, और जब उठा थुम्बा लौटने के लिए तो उसने रुंधे गले से दुआएं दी मुझे। SLV-3 अपोजी रॉकेट जो फ्रांस से उड़ाई जाने वाली थी अचानक कुछ मुश्किलों का शिकार हो गई। मुझे फौरन फ्रांस जाना पड़ा। मैं रवाना होने ही वाला था कि मेरी मां की मौत की खबर पहुंची। यके बाद दीगरे 3 मौतें हो गई मेरे घर में। उस वक्त मुझे अपने काम में पूरे ध्यान की जरूरत थी। 100% लगन से काम करने की ख्वाहिश किसी और लगन की गुंजाइश नहीं छोड़ती। मुकम्मल नीति और पूरी लगन से SLV-3 का ख्वाब 1979 के दरमियान में जाकर पूरा हुआ। हमने SLV-3 की परवाज का दिन 10 अगस्त 1979 तय किया था। 23 मीटर लंबा, 4 स्टेजेस का यह रॉकेट 17 टन का वजन लेकर 7:58 पर बड़ी कजदाई से उड़ा और खला की तरफ रवाना हुआ। पहली स्टेज हर तरह से पुख्ता निकली और बड़े आराम से रॉकेट दूसरी स्टेज में दाखिल हो गया। हम सब दम में खुद रह गए, सांस रोके बैठे थे। हमारे बरसों का ख्वाब आसमान की तरफ सफर कर रहा था। अचानक हमारे ख्वाब में दरार आई, हमारा सुकून टूटा, हमारी खामोशी टूटी। दूसरी स्टेज काबू से बाहर होने लगी थी। 317 सेकंड के बाद परवाज टूट गई। मेरी मेहनत और उम्मीद चौथी स्टेज को साथ लेकर तमाम मलबा श्रीहरिकोटा से 560 किलोमीटर दूर समंदर में जाके गिरा। इस हादसे से हम सबको सख्त सदमा पहुंचा। मैं गम और गुस्से से भर गया, नुचड़ गया बिल्कुल, जिस्मानी तौर पर भी और जहनी तौर पर भी। मैं सीधा अपने कमरे में गया और बिस्तर में धंस गया। मैंने अपने कंधे पर एक दिलासे का हाथ महसूस किया तो आंख खोली। दोपहर ढल चुकी थी, शाम करीब थी। डॉक्टर ब्रह्म प्रकाश मेरे सराहने बैठे थे। उनकी इस हमदर्दी ने छू लिया मुझे। मैं उदास था, मायूस था, लेकिन अकेला नहीं। हर शख्स तकनीकी जमा तफरीक और बहस मुबासे के बाद मुतमईन हो चुका था, संतुष्ट हो चुका था, लेकिन मुझे इत्मीनान ना आया और मुसलसल बेचैन रहा। मैं बेसाख्ता खड़ा हो गया और एतराफ किया प्रोफेसर धवन के सामने, सर मेरे साथियों को नाकामयाबी की वजह दरियाफ्त हो जाने से इत्मीनान हो गया, लेकिन मैं उसे काफी नहीं समझता। इस मिशन के डायरेक्टर की हैसियत से इस गलती को भी मैं अपनी जिम्मेवारी समझता हूं। SLV-3 की नाकामयाबी की जिम्मेवारी मेरी है। साइंस का काम कमाल दर्जा उत्साह भी देता है, खुशी भी, और उतनी ही गहरी मायूसी भी। इस तरह के वाकयात सोच सोचकर मैं दिल को ढारस देता रहा। यह ख्याल कि इंसान चांद पर उतर सकता है, सबसे पहले एक रूसी साइंटिस्ट ने सोचा था। उसे हकीकत बनने में 40 साल गुजर गए,
जब अमेरिका ने उसे पूरा किया। प्रोफेसर चंद्रशेखर ने चंद्रशेखर लिमिट का आविष्कार किया था 1930 में जब कैम्ब्रिज में पढ़ रहे थे, लेकिन 50 साल बाद उन्हें उसी डिस्कवरी पर नोबेल प्राइज मिला। वॉन ब्रॉन अपनी सैटर्न लॉन्च व्हीकल से आदमी को चांद पर उतारने से पहले कितनी सारी नाकामियों से गुजरे होंगे। पहाड़ की चोटी पर उतरने से पहाड़ पर चढ़ने का तजुर्बा नहीं मिलता, जिंदगी पहाड़ की चढ़ानों पर मिलती है, चोटी पर नहीं। चढ़ानों पर ही तजुर्बे मिलते हैं और जिंदगी मंचती है और टेक्नोलॉजी तरक्की करती है। चोटी पर पहुंचने की कोशिश ही में चढ़ानों का इल्म हासिल होता है। मैं एक एक कदम चलता रहा, चढ़ता रहा चोटी की तरफ। SLV-3 की उड़ान से 30 घंटा पहले 17 जुलाई 1980 के दिन अखबारों की सुर्खियां तरह तरह की राय और अंदाजों से भरी हुई थी। ज्यादातर रिपोर्टर्स ने पहली SLV की उड़ान याद दिलाई थी कि किस तरह वो रॉकेट फेल हो गया था और उसका मलबा समंदर में जाकर गिरा था। कुछ लोगों ने तो देश की दूसरी खामियों का जिक्र करते हुए भी उसे SLV-3 से जोड़ दिया था। मैं जानता था कि अगले दिन का नतीजा हमारे फ्यूचर के स्पेस प्रोग्राम का फैसला करने वाला है। मुख्तसर ये कि सारी कौम की नजरें हम पर गड़ी हुई थी। 18 जुलाई 1980 सुबह 8:03 पर हिंदुस्तान का पहला सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल उड़ा। मैंने रोहिणी सैटेलाइट का तमाम डेटा कंप्यूटर पर जांचा। अगले 2 के अंदर अंदर रोहिणी अंतरिक्ष में था। उस तमाम शोरगुल के बीच में मैंने अपनी जिंदगी के सबसे अहम अल्फाज अदा किए। मैं मिशन डायरेक्टर बोल रहा हूं, एक जरूरी खबर सुनने को तैयार रहो। चौथी स्टेज कामयाबी के साथ रोहिणी सैटेलाइट को लेकर अंतरिक्ष में दाखिल कर रही है। मैं ब्लॉक से बाहर आया तो मेरे साथियों ने मुझे कंधों पर उठा लिया और नारे लगाते हुए जुलूस निकाला। सारी कौम में एक जोश की लहर दौड़ गई। हिंदुस्तान उन चंद कौमों में शामिल हो गया था जिनके पास सैटेलाइट लॉन्च की काबिलियत थी। हमारी कौम का एक ख्वाब पूरा हुआ था और हमारे इतिहास का एक नया बाब खुला, एक नया चैप्टर। प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने मुबारकबाद का तार भेजा और सबसे ज्यादा हिंदुस्तान के साइंसदान खुश थे कि ये पूरी कोशिश स्वदेशी थी, हमारी अपनी थी। मैं कुछ मिले जुले जज्बात से गुजर रहा था। मैं खुश था कि पिछली 2 दहाइयों से जिस कोशिश में था बिलाखिर उसमें कामयाब हुआ, लेकिन उदास था जिन लोगों की बदौलत मैं यहां पहुंचा था। वो लोग मेरे साथ नहीं थे, मेरे अब्बा, मेरे बहनोई जलालुद्दीन और प्रोफेसर सारा भाई। SLV-3 की कामयाबी के महीने भर के अंदर ही प्रोफेसर धवन का फोन आया एक दिन और दिल्ली बुलाया प्रधानमंत्री से मिलने के लिए। मेरी एक छोटी सी उलझन थी कपड़ों को लेकर। हमेशा से बड़े आमियाने से कपड़े पहनता हूं और पांव में चप्पल या स्लीपर कह लो, प्रधानमंत्री को मिलने जैसा वो लिबास नहीं था। मेरे लिए नहीं, उनके एहतराम के लिए। सुना तो प्रोफेसर धवन बोले, कपड़ों की फिक्र मत करो, तुमने जो शानदार कामयाबी पहन रखी है वो काफी है। रिपब्लिक डे 1981 मेरे लिए एक बड़ी खुशखबरी लेकर आया कि मुझे पद्म भूषण से नवाजा गया है। मैंने अपने कमरे को बिस्मिल्ला खां की शहनाई से भर लिया। शहनाई की गूंज मुझे कहीं और ही ले गई। मैं रामेश्वरम पहुंच गया, मां के गले लगा। अब्बा ने मेरे बालों को उंगलियों से सहलाया और मेरा दोस्त, मेरा रफीक जलालुद्दीन
मस्जिद गली में जमा हुए लोगों में मेरे इनाम का ऐलान कर रहा था। मेरी बहन जोहरा ने मीठा बनाया घर में, पक्षी लक्ष्मण शास्त्री ने मेरे माथे पर तिलक लगाया, फादर सोलोमन ने मेरे हाथ में सलीब देकर दुआ पढ़ी और प्रोफेसर सारा भाई को देखा। उनके चेहरे पर मुस्कुराहट थी, फखर था। जो पौधा वो लगाकर गए थे अब पूरा पेड़ बन चुका था, जिसके फल हिंदुस्तान की आवाम तक पहुंच रहे थे। ओ आनंद से डोही आनंद तरंग, आनंद से डोही आनंद तरंग, आनंद जियंग आनंद से, आनंद जियंग आनंद से, आनंद से डोही आनंद तरंग, आनंद से आनंद तरंग। गर्भाचे आवडी मातेचा डोहळा, तेथीचा जीवळा तेथे पिंबे। गर्भाचे आवडी मातेचा डोहळा, तेथीचा जीवळा तेथे पिंबे। तुका म्हणे तैसा तैसा, ओ तला से ठसा अनुभव सरीसा मुखाला, आनंदा से डोई आनंद तरंग, आनंद ची अंग आनंदा जय, आनंदा से डोई आनंद तरंग।